दिल तो नहीं कर रहा बताने का, लेकिन आप लोग भी हमारे फ्रेंड्स हैं। और इतनी हमें गाली देना शुरू हो गई यार, गेट पे खड़ी होके कि ये हुआ, उस टाइम रोना आ रहा था, मम्मा मैंने कुछ नहीं कहा। तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। और जो है मैं सबसे पहले अपनी दोस्त फातिमा को, फातिमा का मैंने कमेंट पिन भी किया है, जुमा मुबारक ऑल ऑफ यू गाइस सबसे पहले। और उसके बाद आज हम, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इसको भी और मुझे भी, मैं पता नहीं हो रहा हो या नहीं, पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। सो गाइस बहुत बुरा हुआ, मतलब लाइक नहीं होना चाहिए था इस तरह। तो खैर जुमा भी है आज, तो जुमा मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल, नमाज वगैरह अदा कर ली है, बस हमेशा हमें दुआ करनी चाहिए सबके लिए। ठीक है गाइस, अब एक बहुत बड़ा मसला हो गया, तो काफ़ी मतलब बताने में भी मुझे पता नहीं वो अजीब सा महसूस हो रहा है कि लाइक फीलिंग्स। सो फ्रेंड्स, दिल तो नहीं कर रहा बताने का, लेकिन आप लोग भी हमारे फ्रेंड्स हैं, आप लोग बहन भाई हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, अब बताना है पड़ेगा गाइस। दो दिन पहले हमारी वीडियो नहीं आई, तो फ्रेंड्स हाँ अब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो असल में कुछ मसला यूँ हुआ है कि जो है दो दिन पहले भी हमारी वीडियो नहीं आई। इंसान को पहले तो मैं ये कहूँगी मेहनत करनी चाहिए। हाँ वो होता है कि काफ़ी इस तरह के लोग हैं कि मेहनत करके भाग जाओ, इस तरह नहीं होता, ये होता है मेहनत करो, मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो बस यही सीन। इसके बाद जो है गाइज, अच्छा आते हैं जी अपने टॉपिक पे, जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ कि दो दिन हमने अपनी वीडियो भी क्यों नहीं अपलोड की। सो गाइज मसला ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स, जी हाँ, सबसे पहले तो गाइज इस तरह जो है कोई भी आ जाए तो, पहले हम उनको जानते नहीं थे, कोई औरत थी वो, मतलब आई मदद मांगने के लिए हमसे कि जो है ना, मतलब लाइक आप, अब हम आपको बताएंगे नहीं कि कौन सी मदद, बस जिस तरह मदद होती है तो वो मांगने आई, कहती हैं कि आप हमारी मदद कर दो। मैंने कहा जी क्यों नहीं, ज़रूर आप बताएं, जो करने वाली होगी वो ज़रूर करेंगे। तो बस इस तरह वो आई और उनसे हमने जो है, मतलब उन्होंने हमसे पूछा कि भाई पहले थोड़ी बहुत हमने बात की, भाई जाहिर सी बात है आपको क्या मदद चाहिए या कुछ इस तरह। एकदम कोई गैर आया तो सबसे पहले तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना यार कौन है, तो फिर उसके बाद क्या सीन है। तो बस इसी तरह देन उसके बाद जो है गाइज वो आई और उन्होंने हमसे थोड़ी मदद मांगी, हमने कहा ओके ठीक है हम कोई मसला नहीं कर देते हैं। सो फ्रेंड्स फिर औरत ने हमसे मदद मांगी, हमने बोला चलो ठीक है आपको जो जो मतलब उनसे उन्होंने हमें कहा, हमने कहा ठीक है हो जाएगा डन है कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद जो है वो आई, उनकी हमने मदद की, उसके बाद काफ़ी रो भी रही थी, मम्मा ने उनको कहा कि नहीं रो ये वो, फिर हमने भी कहा तो बस थोड़ी बहुत हेल्प हमने कर दी जितनी हमसे हो सकती है गाइज। अब ना ये तो नहीं कि अब अल्लाह ने जिस तरह हमें 100% दिया तो 50% गरीबों को देना चाहिए और 50% हमें अपने पास रखना चाहिए, तो 50% तो हम दे दें चलो भाई ठीक है, अब जितना हो सकेगा हम उतना ही करेंगे। सो फ्रेंड्स हाँ पहले दिन आई, फिर हमने जो है कहा चलो ठीक है बेचारी गरीब औरतें रो रही हैं। तो दूसरे दिन फिर से आई, मतलब फिर दिन में क्या दो बार आने लगी, पहले दूसरे दिन आई और जो है ना मतलब लाइक पहले आई और फिर से मतलब दूसरा दिन शुरू हुआ। सुबह के टाइम नाश्ता हम लोग करके बैठे हुए थे सब इसी तरह ही लाउंज में, बस बातें वगैरह कर रहे थे, आई वो सुबह के टाइम और ना फिर से वो मतलब आकर रोने लगी और दो बच्चों को भी ले आई अपने साथ। मैंने कहा जी आप तो वही हैं जो कल आई थी, कहती जी हाँ प्लीज़ देखें मेरे छोटे बच्चे हैं आप मदद कर दें मेरी ये वो। फिर जो है फिर से आई, अब हम मना तो नहीं कर सकते थे, रोक भी नहीं सकते थे उनको कि ये क्या हो रहा है ये सब। तो बस इसी तरह उनको ही फिर से हमने हेल्प कर दी, फिर शाम को फिर से आने लगी यार, फिर छह बच्चे ले आई, ओ माय गॉड हम एकदम शॉक में, बोले ये क्या हो रहा है। फिर हमने भाई मना किया नीचे गार्ड्स वगैरह को, देखें जो भी है प्लीज़ आप उनसे पूछ कर फिर उनको लाएं। अच्छा क्या कहती हैं कि हम, मैं मतलब इनकी रिश्तेदार हूँ ठीक है। हाँ सो फ्रेंड्स वो आई तो फिर उसके बाद फिर से आई, तो बस आपको बताती हूँ कि वो क्यों आ रही थी बार बार, तो बस फिर शाम को अगेन आ गई, तो जो है ना मतलब आई, फिर उसके बाद हमें बिठाया फिर ये वो उस टाइम, फिर कल सुबह को फिर आ गई, मतलब कल कल की बात है भाई। हमने कहा ये क्या हो रहा है, मैं कसम से मैं चली गई, मतलब मम्मा आई ये इनको कहें कि मतलब हुरैन घर पर नहीं है, शाफन और हुरैन घर पे नहीं है। तो भाई आई और मम्मा के साथ बैठी पूरे दो घंटे, यार ये क्या है किसी के घर आ रहे हो आप, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं आओ या कुछ, जी हाँ। लेकिन फिर आई और उसके बाद जी हाँ फिर कहती है चलो बस ठीक है मैं जो है ना थोड़ी देर के बाद आती हूँ। फिर क्या हुआ कि जैसे हम लोग निकले कोई दो तीन घंटों के बाद फिर से आ गए, शाम को 6-7 बजे फिर आ गई,
अच्छा हमने कहा देखो भाई अब आप बार बार आ रहे हो, बिल्कुल ये ठीक नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम उतना करेंगे। असल में आपको बताती हूँ किस मदर के बारे में आ रही थी, उसके अलावा भी हमने उनकी हेल्प की, तो ये वो सब कुछ हुआ। तो अभी जो है जुमा है, आज सुबह को 1 बजे फिर आई, और जो है फिर ना मैंने कहा जी अब आपको क्या है, तो कहती हैं कि जो है ना गेट खोलो, कोई मतलब 6 से 7 बार आ चुकी है घर। तो मैंने बोला देखें आप प्लीज़ जिस अगर उस काम के लिए आई हैं जो आप मुझसे पहले करवाई जा रही हैं तो प्लीज़ आप जा सकती हैं। तो इस तरह मैंने कहा और इतनी हमें गाली देना शुरू हो गई, यार गेट पे खड़ी होके कि ये हुआ वो हुआ ये वो। मैंने बोला क्या हो गया आपको? मैंने ऐसे क्या बोल दिया, मम्मा मुझे गुस्सा करने लगी कि तुम क्यों कह रही हो, क्या हुआ? और मतलब लिटरली मुझे उस टाइम रोना आ था, मतलब मम्मा मैंने कुछ नहीं कहा, और मतलब मम्मा मुझ पर यकीन नहीं करी, पापा तो नहीं थे क्योंकि नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, और जो है शाफिन भी नहीं था उस टाइम, मैं मम्मा और ज़रीफ के घर पे। जी हाँ, तो बस फिर उसके बाद ना यही सब कुछ सीन हुआ। तो असल में वो मदद मांगने आई थी गाइस चैनल की, मेरी हेल्प के लिए कि भाई मेरी हेल्प करो, या कभी हम लोग घर पे हैं नहीं हैं या कुछ असबाब होते हैं तो 1-2 बार प्रमोशन कहते हैं भाई कर दो। हाँ मैं कर दूँ, कोई इशू नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, आप बार बार आ रही हो। उसके बाद जो है गाइस इंसान को अपनी मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ मैं ये नहीं कह रही कि आप क्यों आ रहे हो, आएँ कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आएँ कोई मसला ही नहीं है, लेकिन यार एक होता है कि अब आप बार बार आ रहे हो किसी के घर, इस तरह सही थोड़ी लगता है। तो बस यही सीन। तो इसके अलावा और भी हमने उसकी थोड़ी बहुत मदद की, उसने कहा कहती है कि जो है ना मेरी एक बड़ी बेटी है, उनकी शादी भी है, तो उनके बारे थोड़ी सी मदद वगैरह की उनकी भी। तो बस यही सीन, अगर किसी इंसान की अगर हम लोग मदद कर रहे हैं तब भी वो हमें गलत कहते हैं, नहीं कर रहे तब भी उल्टी सीधी बातें ऊपर उल्टा व्लॉग में कमेंट करना शुरू हो जाते हैं। हमने व्लॉग पहले कभी इस तरह के नहीं बनाए, लेकिन अब मजबूरी आई है तो बना रहे हैं गाइस। सो बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस आप लोग से मेरी थोड़ी सी दरख्वास्त है कि जो है हाँ ऐसे नहीं करें गाइस, अब आप लोग भी प्लीज़ जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक्स अलॉट। और जो है मैं सबसे पहले अपनी दोस्त फातिमा का मैंने कमेंट पिन भी किया है, और उसके बाद मैं उसको थैंक यू सो मच भी कहूँगी कि यार तुमने जो है आपने खैर जो है आपने मुझे लाइक इतना अच्छा कमेंट किया और मैंने पिन भी कर दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आप लोगों का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इस तरह के लोग हैं सो उनसे भाई माजरत, ऐसे ना करें प्लीज़। सो खैर कोई नहीं है, बस इमोशनल ज़्यादा वीडियो गई। हाँ इसके बाद गाइस आज तो हमने वो ही नहीं किया अपनी वीडियो का इंट्रो, सो खैर कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप क्या हेलो फ्रेंड्स करना। सो बस गाइज यही, तो कैसी लगी आज मेरी वीडियो तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जाहिर सी बात है तो इम्पोर्टेंट वीडियो थी, अच्छी लगे या नहीं लगे देखनी तो ज़रूरी है। तो बस जी हाँ मैसेज है एक हमारी तरफ से आपको, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय गाइज।